So hi guys, और क्या हाल चाल है आपके? Sometimes may be good, sometimes may be shit. Welcome to Tech Wizard and my name is Sadiq. आज मैं ना एक different brand का थोड़ा सा review करने वाला हूँ. इस brand को अभी तक मैंने test नहीं करा था एक भी बार किसी भी video में. So आज मेरे पास जो product है ना वो है Jabra Elite 3. अब ये प्रोडक्ट ना मेरे को दिखने में काफ़ी स्टाइलिश लगा और फिर इसका जो रेटिंग वगैरह तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को. तो मेरे को लगा इसको ऑर्डर करके देखा जाए क्या हाइप है, व्हाट इज़ द हाइप अराउंड दिस प्रोडक्ट. सही में अच्छे साउंड करते हैं, ओवरऑल कैसा है ये प्रोडक्ट. तो इस ब्रांड का एक भी बार टेस्टिंग नहीं हुआ है. सो आई एम गोइंग इन टू दिस विद क्लीन स्लेट. मेरे पास कोई ऐसा प्री कंसीव नोशन नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में, इस ब्रांड के बारे में. तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. ऑब्वियसली लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसके ऊपर की कुछ डिटेल्स आपको पढ़ के बता दूंगा जो आपके बॉक्स के ऊपर मिल जाएगी, क्या है इसके हाइलाइट्स हैं. तो सबसे पहले तो आपको इसमें मिल जाएगा 4 माइक सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा. तो कॉल क्वालिटी ये लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा होना चाहिए. फिर उसके बाद में नॉइस आइसोलेशन दिया हुआ है और साथ में आपको हेयर थ्रू का फंक्शन भी दिया हुआ है इसमें. फिर इसमें आपको मिल जाएगा मोनो मोड. तो मोनो मोड क्या होता है, तो आप किसी भी एक ईयरबड को एक टाइम पे चला सकते हो. ये जो फीचर होते हैं काफी सारे ईयरबड्स में इस प्राइस रेंज में नहीं मिलते. देन उसके बाद में आपको 28 आवर्स का आपको केस में बैटरी बैकअप मिल जाएगा और 7 आवर्स का बैटरी मिल जाएगा आपको बड्स में. और यहाँ पे आपको रेन प्रूफ वगैरह बोला हुआ है, तो IPX रेटिंग कहीं लिखा नहीं है, बट आई एम गोइंग टू सर्च एंड टेल यू कि क्या है इसका IPX रेटिंग. 2 साल की इसमें वारंटी मिल जाएगी आपको. इसमें एलेक्सा बिल्ट इन मिल जाएगा, फिर आपको इसमें फास्ट पेयर मिल जाएगा. तो ये तो था एक ओवरऑल ओवरव्यू इसका. ऊपर से हमने देख लिया क्या क्या डिटेल है. सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको इसके अंदर में क्या मिलने वाले हैं. तो जैसे ही आप बॉक्स खोलोगे सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. विल कीप इट असाइड, इसका केस वगैरह तो काफी अच्छा लग रहा है, पकड़ने में भी प्रीमियम लग रहे हैं. यहाँ पे आपको वायर दिए हुए चार्जिंग के लिए और साथ ही में शायद ईयर टिप्स आपको दिए हुए. लेट मी पुल इट आउट फॉर यू. तो यहाँ पे आपको ये देखो सी टाइप चार्जिंग वायर दिया हुआ है, काफी अच्छा मोटा वायर दिया है, क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है वायर की. एंड यहाँ पे आपको टैबलेट्स की तरह में कुछ ईयर टिप्स दिए हुए हैं, वेरी इंप्रेसिव पैकेजिंग. देन विल मूव इन एंड सी के आपको और क्या दिए. तो जैसे आप बॉक्स को खोलोगे इट इज वेरी क्लीन, इन लोगों ने जिस तरीके से पैकेजिंग करे है. यहाँ पे आपको कुछ इसी का यूजर मैनुअल मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे वारंटी कार्ड्स वगैरह मिल जाएंगे. तो पेपर वर्क आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप चाहो तो. अभी ये सब असाइड, अभी मेरे को प्रोडक्ट देखने हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये वाले प्रोडक्ट के लिए. तो हम इसको देखते हैं कि डिज़ाइन वगैरह कैसे है इसका. पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील है. एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका पूरा मैट फिनिश है, कहीं भी कुछ ग्लॉसी टाइप का नहीं है. सामने में आपको Jabra लिखा हुआ मिल जाएगा. बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्लीक डिज़ाइन लग रहा है मेरे को इसका. और इसका जो चार्जिंग है वो यहाँ आपको पीछे की तरफ दिया है, नीचे नहीं दिया है. तो जब आप केस को खोलोगे सबसे पहले आप नोटिस करोगे इसका मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, खुद से बंद हो जाते हैं और ये काफ़ी सिक्योरली आपके ईयरबड्स को बंद करके रखते हैं. ईयरबड्स का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, दिखने में ही इम्प्रेसिव लगा. कान में जब आप इस टाइप के ईयरबड्स लगाते हो बहुत अच्छे से फिट होते हैं एंड एज यू कैन सी आसानी से नहीं निकलने वाले. इसमें आपको टच कंट्रोल्स वगैरह जो दिए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ. लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत इम्प्रेसिव लगी मेरे को, फर्स्ट इम्प्रेशंस, बिल्ड क्वालिटी, शक्ल इसकी बहुत अच्छी है. अभी पर्सनैलिटी कैसी है वो हम देखेंगे इस वीडियो में. एक एक टेस्ट करूंगा, कॉल टेस्ट, माइक टेस्ट, जो भी टेस्ट इसमें हो सकते हैं सब करके आपको दिखाने वाला हूँ. अच्छा ठीक है. तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है इसका बैटरी बैकअप. अभी इसमें केस में 28 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा. 28 आवर्स इज वेरी नाइस, आपका 1-1.5 दिन ये बहुत अच्छे से चलने वाले हैं अगर आप इनका मॉडरेटली यूज कर रहे हो. और बड्स में आपको मिल जाएगा 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम. तो आप एक सेटिंग में कितना भी बैठ के चलो आपका 7 घंटा ये आराम से निकालने वाले. तो बैटरी बैकअप ओवरऑल मेरे को इम्प्रेसिव लगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट रेंज में है जो कि 25+ आवर्स आपको इसमें मिल रहा है. तो उतना ज़्यादा आपको बार बार चार्ज करने का टेंशन नहीं लेने. अब हम बात करते हैं इसके टच कंट्रोल्स की एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव मेरे को इसका टच कंट्रोल्स. और इसमें आप जिस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपना खुद का एप्लीकेशन भी दिया हुआ है साथ में, वो आप डाउनलोड कर लेना. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको ऐप कौन सा लेना है. तो जो इसका ऐप है उसका नाम है Jabra Sound Plus, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, वो आप डाउनलोड कर लेना अगर आप ये प्रोडक्ट खोलो. इसका जो इंटरफेस है बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, UI बहुत मस्त बनाया हुआ इन्होंने. उसमें आप चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन
लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं टच कंट्रोल्स में आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी मिल रही है। तो गाइस टच कंट्रोल्स इसका कुछ इस तरीके से बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपके जो ईयरबड्स हैं इसके यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, आपको उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके बटन कंट्रोल्स बता देता हूँ। बटन कंट्रोल्स कुछ इस तरीके से हैं, जब आपको म्यूजिक प्ले और पॉज करना है राइट वाले बटन पे एक बार टैप कर देना, दबा देना उसको। वॉल्यूम अप करना है राइट पे थोड़ा सा दबा के प्रेस एंड होल्ड। वॉल्यूम डाउन करना है लेफ्ट पे प्रेस एंड होल्ड। नेक्स्ट ट्रैक जब आपको प्ले करना है तो आपको दो बार दबाना पड़ेगा अपना राइट ईयरबड। प्रीवियस ट्रैक पे जाना है तो आपको तीन बार दबाना पड़ेगा अपना राइट ईयरबड। ये सारी चीजें आप याद रखना, बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। कॉल को आंसर करने के लिए आपको राइट या लेफ्ट ईयरबड में एक बार दबाना पड़ेगा। रिजेक्ट करने के लिए दो बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये तो था सारे इसका बटन कंट्रोल जो आपको इस पे फंक्शनैलिटी वगैरह मिल रहे हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें अगर इन ऐप की, तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से चीजें मिल जाएंगी। आप वहां पे अपना बेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। कुछ अलग अलग वहां पे मोड्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि इनहेंस बेस मोड दिए, इनहेंस ट्रेबल मोड दिए। ये सारे मोड ना आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जिस तरीके का सॉन्ग है आप उसको उस तरीके से चेंज कर सकते हो। बहुत अच्छे एक क्लीन यहाँ पे इंटरफेस दिया है, बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड इसका जो फंक्शनैलिटी है उससे। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसे। साउंड क्वालिटी लेट मी टेल यू बहुत फायर लगा मेरे को, मज़ा आया इसमें सॉन्ग सुन के। बेस वगैरह जिस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कस्टमाइज करके अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। बेस ज़्यादा पसंद है बेस वाला मोड सेलेक्ट कर लो। ट्रेबल ज़्यादा पसंद है ज़्यादा अच्छे से सुनने हैं तो आप ट्रेबल वाला मोड सेलेक्ट कर लो, या फिर आपको कुछ नॉर्मल सा चाहिए जिसमें सब बैलेंस्ड हो वो मोड सेलेक्ट कर लो। और एक्चुअल में डिफरेंस आपको पता चलेगा जब आप ये प्रोडक्ट यूज़ करोगे। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड, म्यूजिक वगैरह सुनने में बहुत मज़ा आया जिस तरीके से सॉन्ग उस तरीके से मोड चेंज करके, एंड वाओ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इसका ओवरऑल साउंड क्वालिटी का, वेरी इंप्रेस। अभी साउंड क्वालिटी के टॉपिक पे ही है तो आपके लिए ज़रूरी है एक म्यूज़िक टेस्ट कर देना, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको आवाज़ आने वाला है इस प्रोडक्ट में। तो गाइस ये तो था म्यूजिक टेस्ट। अब हम जो नेक्स्ट टेस्ट करेंगे वो है कॉल टेस्ट। देखो कॉल टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है TWS के लिए, क्योंकि TWS में यूजुअली जो कॉल्स में रिसीविंग एंड में बंदा होता है उसको आवाज़ नहीं जाती है बराबर। सो कॉल टेस्ट ये रहा ताकि आप खुद से जज कर पाओ कि बंदे को किस तरीके से आवाज़ जा रही है और आपको किस तरीके से आवाज़ आ रही है। सो दिस इज अ कॉल टेस्ट फॉर यू। सो हाय गाइस, दिस इज कॉल टेस्ट फॉर जबरा एलीट 3। और हेलो, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? क्या आवाज बहुत अच्छी आ रही है, क्यों? अभी एक्चुअली स्टूडियो का फैन ऑफ है तो आवाज क्लियर आएगी। ठीक है जी। अभी मैं फैन ऑन करता हूँ, लेट्स सी तब मेरी आवाज कैसी आती है। हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज कैसी आ रही है अभी? आवाज ठीक आ रहा है। ओके, कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। आ रहा है, थैंक यू ब्रो। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गेमिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा गेमिंग का दिया नहीं है ना, उन्होंने बोला है कि ऐसे MS वगैरह या कुछ ऐसा गेमिंग मोड के बारे में दिया नहीं है। और इन्होंने भी कुछ अपना जो इनका ऐप है उसमें भी कुछ ऐसा डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं दिया, लेकिन कैसे एक्सपीरियंस होगा गेमिंग करते टाइम में उसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली टेस्ट करके बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को नॉर्मली एक्सपीरियंस लगा, उतना ज़्यादा कुछ अमेजिंग नहीं है, कुछ बुरा भी नहीं लगा, नॉर्मल सा एक्सपीरियंस था। आपके लिए ये रहा गेमिंग टेस्ट। तो गाइस यहाँ पे सारे टेस्ट में कंक्लूड होते हैं। फाइनली जो एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा वो है इसका प्राइस। कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे ये प्रीमियम लुकिंग TWS लेने के लिए। सो अभी जो इसका प्राइस Amazon पे चल रहा है वो 2800 चल रहा है, लेकिन आप
कीप एन आई आउट, आप जब भी ये लेना चाहो तो डिस्काउंट के लिए देखते रहना। लेकिन अगर 2800 रुपये अगर आपको इसको देने हैं तो क्या ये जस्टिफाइड है? एंड मैं तो बोलूँगा बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है और आपका बहुत दिन चलने वाला है। अगर आप कॉल्स अटेंड करते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, जिम जाते हो, आउटडोर्स कुछ करते हो या बस ऐसे ही आपको म्यूज़िक वगैरह सुनना पसंद है, ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, आज का रिव्यू यहीं समाप्त करते हैं। और जो आपका टास्क है इस वीडियो को देखने के बाद में वो है लाइक करो यार, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो टेक विजर्ड को, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रिव्यू। बाय।